मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहां नसीब से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती है। भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वो ही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। अपनी कड़ी मेहनत से टेलीविजन में अपना नाम बनाया है एक्ट्रेस युविका चौधरी ने, तो चलिए जानते हैं कहानी युविका की। युविका चौधरी का जन्म 2 अगस्त 1983 को उत्तर प्रदेश के बड़ौत में हुआ था। युविका चौधरी के पिता का नाम राम नरेश है, वहीं माता का नाम अंजलि राय है। युविका के भाई का नाम आकाश चौधरी है। युविका ने अपनी स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश के लखाए पब्लिक स्कूल भगवत से पूरी की है। इसके अलावा युविका चौधरी ने ग्रेजुएशन भी उत्तर प्रदेश से ही किया। युविका ने अपने करियर की शुरुआत साल 2000 में आई फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी से की थी। इसके बाद युविका साल 2005 में टीवी शो इंडियाज बेस्ट इन स्टार की खोज में नजर आई। साल 2005 में युविका टीवी सीरियल अस्तित्व एक प्रेम कहानी में नजर आई। साल 2007 में युविका चौधरी ने शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम में डॉली अरोरा का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उनके किरदार को काफी पसंद किया गया। इसके बाद युविका ने साल 2008 में समर 2007 नाम की एक फिल्म में काम किया। युविका ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ पंजाबी फिल्मों में भी अच्छा अभिनय किया है। साल 2015 में युविका चौधरी ने बिग बॉस के 9वें सीजन में हिस्सा लिया, हालांकि ये शो वो जीत नहीं पाई। बिग बॉस के बाद युविका चौधरी ने अलग अलग टीवी सीरियल्स में काम किया। साल 2019 में युविका चौधरी ने नच बलिए के 9वें सीजन में हिस्सा लिया और उसमें जीत हासिल की। प्रिंस नरूला भी युविका चौधरी के साथ बिग बॉस के 9वें सीजन में नजर आए थे और यही से शुरू हुई थी दोनों की प्रेम कहानी। बिग बॉस 9 के विनर भी प्रिंस ही थे। 12 अक्टूबर 2019 को युविका चौधरी और प्रिंस नरूला की शादी हुई। हाल ही में युविका चौधरी के एक वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस वीडियो को लेकर युविका चौधरी पर जाति सूचक शब्द कहने का आरोप लगा। दलित समुदाय के लिए जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। ट्विटर पर हैशटैग अरेस्ट युविका चौधरी टॉप ट्रेंड करने लगा। वीडियो के वायरल होने के तुरंत बाद युविका ने माफी भी मांगी। डालिए युविका के इस वीडियो पर एक नज़र। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने वो वर्ड अनजाने में यूज़ किया और मुझे उसका मतलब बिल्कुल नहीं पता था, और मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि अनजाने में हुई गलती को प्लीज़ आप माफ़ करें। कैसी लगी आपको कहानी युविका चौधरी की, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।